नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिले हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। मध्य प्रदेश में आज से सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी शुरू होंगे। बता दें कि छात्रों को क्लास में जाने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और पेरेंट्स की सहमति पत्र की एक कॉपी कॉलेज में जमा करनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद आज फिर से मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा गतिविधियां आज से स्टूडेंट्स की उपस्थिति के साथ प्रारंभ की जाएगी। वहीं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ 100% उपस्थित होंगे, लेकिन छात्र छात्राएं 50% ही होंगे। छात्रों को शुरुआती 10 दिनों के अंदर कॉलेज, कोर्स, विषय, विषय बदलने, स्कॉलरशिप और अन्य बातों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे क्लास शुरू होने से पहले सभी तरह की प्रक्रियाओं को समझ लें और इसके बाद ही उनकी क्लासेस शुरू की जाएंगी। वहीं शिक्षा संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा और छात्रों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी शुरू की जा रही है, जहां पे कि प्रवेश के पूर्व कर्मचारियों और विद्यार्थियों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत शारीरिक तापमान, आवश्यक रूप से मास्क का इस्तेमाल, हाथों को सैनिटाइज करने तथा पुस्तकालयों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। साथ ही साथ आज से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हॉस्टल मेस भी शुरू किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग 15 सितंबर से कॉलेज खोलने जा रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद हम नए सत्र में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो, कोविड का नियम का पालन हो, इस तरह से विभाग अपने गतिविधि बढ़ाने जा रहा है। खास करके उच्च शिक्षा के समस्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय सने हमारे अपने सब कुछ कोविड के संख्या के 50% के आधार पर ही हमारी गतिविधि प्रारंभ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आधार पर हम अपनी लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस सब कुछ अपन ओपन करेंगे, लेकिन जैसे महाविद्यालय में संख्या रहेगी उस अनुपात में अलग अलग ग्रुप बना करके और जो लोग घर रहेंगे उनको ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दे करके इस कोविड के सत्र में भी हम शैक्षणिक सत्र को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि आगामी सत्र अब की बार परमात्मा चाहेगा तो, क्योंकि हमने कोविड के टीके के बाद ही सबको आने के लिए आह्वान किया है और कम से कम फर्स्ट डोज लगाना अत्यंत आवश्यक है और उसका सर्टिफिकेट भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय महाविद्यालय में आपसे मांगा जाएगा तो आपको प्रस्तुत करना है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो और उच्च शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति के माध्यम से अपने शैक्षणिक सत्र को सामान्य करेगा। एक बार फिर आप सबके प्रति आभार। अपना ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा, मास्क का उपयोग जरूर करिएगा और इन सब निर्देशों के साथ साथ जो जिला प्रशासन, जिला स्तरीय क्राइसिस कमेटी अपने अगर निर्णय लेती है तो जिला स्तर पर उनका पालन करना भी उच्च शिक्षा का महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आवश्यक रहेगा। तो ये थी बुलंदिस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंदिस्तान के साथ।